जज साहब अपने ही माँ को आश्रम में छोड़ा है, आश्रम में माँ पर नजर रख सके इसलिए उधर के चौकीदार से दोस्ती कर ली थी और कुछ पैसे दे दिए थे। जज ने चौकीदार को अपनी दिल की बात आंखों में आंसुओं के साथ बता दी कि घर में पत्नी है जो माँ के साथ बदतमीजी से पेश आती है, और पत्नी के कहने पर दोनों बच्चों ने माँ से बात करनी ही बंद कर दी। माँ को अकेलापन लगने लगा और इन सब वजहों से दिन भर रोती, इसलिए उसे आश्रम छोड़ने के लिए आ गए। तो चौकीदार ने कहा, जज साहब आपके सामने सारे सबूत थे कि कौन सही और कौन गलत है, लेकिन अपनी ही माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, तो औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे आप। ये बात जज साहब के दिल को छुप गई। चौकीदार की इतनी सी बात का इतना असर हुआ कि दो रात नींद नहीं आई, दो दिन से खाना नहीं खाया और कोर्ट भी नहीं गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक चौकीदार ने जज साहब की दुनिया हिला दी। जज साहब अपने घर में रूम से बाहर आए, दोनों बच्चे और पत्नी खाना लेकर इसी इंतजार में खड़े हैं कि कब खाना खाएंगे। तभी जज साहब ने एक कागज पत्नी को और दो अलग कागज अपने बच्चों के हाथ में थमा दिए। कागज की एक लाइन पढ़ी तो पत्नी के हाथों में से थाली गिर गई। जज साहब बोले, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, और बच्चों से कहा, आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी आप दोनों की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों ने उन्हें जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाया, हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर इन सबका कारण पूछा। आंखों में आंसुओं के सैलाब के साथ जज साहब बोले कि मैं मेरी 65 वर्ष की माँ को आश्रम छोड़ के आया हूँ, अनजान लोगों के भरोसे छोड़ के आया हूँ, और आप सब कारण पूछ रहे हैं। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ रोती थी कि बेटा प्लीज मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दो। आप में से किसी ने भी माँ से सीधे मुंह बात नहीं की, और ये भी भूल गए कि जिस जज को आज पूरा शहर सलाम करता है, उसी जज को बनाने में उस माँ का कितना बड़ा रोल है। कभी दूसरों के घरों में काम करने जाती तब भी मुझे अकेला ना छोड़ती। ऐसी भगवान समान माँ को मैंने आश्रम में छोड़ दिया, और वो भी ऐसे लोगों के भरोसे जिन्हें ये तक नहीं पता कि माँ को क्या बीमारियां है। खुद को कोसते हुए जज साहब कहते हैं, दूसरों पर फैसले सुनाने वाला आज मैं खुद हार गया। मैं जज नहीं बल्कि गुनाहगार हूँ, और मैंने जो गुनाह किया है वो शायद कानून तो माफ कर देगा, लेकिन ईश्वर के कोर्ट में वो कभी माफ नहीं होगा। ये कहते हुए जज साहब बोले कि अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ आप लोगों को सौंप दिया है, और अब अपनी माँ के साथ आश्रम में रहूंगा और उनकी सेवा करूंगा। पत्नी से जज साहब ने कहा कि याद रखना, आज तुमने उस माँ को आश्रम भिजवाया, तुम भी एक माँ हो, कल तुम्हें भी कोई आश्रम भेजेगी, तब तुम्हें मेरे इन शब्दों का अर्थ सही मायने में समझ आएगा। ये बोलकर जज साहब निकल लिए अपनी माँ के पास। आधी रात को चौकीदार भी जज साहब को देखते हुए चौंक गया। अंदर देखा तो माँ सो रही थी, करीब जाकर देखा तो पूरे परिवार की तस्वीर से लिपट कर रोते हुए माँ सो गई थी। आश्रम का प्रशासन भी जाग गया, क्योंकि पीछे पीछे माँ और बच्चे भी आ गए। उन्हें ये एहसास हो गया कि उन्होंने क्या पाप किया है। तभी आश्रम की एक कर्मचारी बोली, हम इन्हें आपको नहीं सौंप सकते, क्या पता कल आप इन्हें मार दो। तो ये सुनते ही जज साहब की पत्नी को दिल में बहुत दर्द हुआ। वो बोल उठी कि मैडम जी, शायद हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है, मानते हैं, लेकिन अब हम इन्हें मारने नहीं, इन्हें एक नया जीवन देने आए हैं। आश्रम के सभी बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, सबके सब रो पड़े, खुशी के आंसुओं के साथ माँ को घर ले आए। लेकिन वही आश्रम में अनेक आंखें ऐसी थी जो किसी ना किसी का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य तो आप सब समझ गए होंगे, इसलिए शेयर कीजिए और हर घर तक इस कहानी को पहुंचाइए, क्योंकि माँ तो माँ होती है। सब होगा तुम्हारे पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है, और उस आंचल को बिखरने मत देना। ऐसी इमोशनल कहानियों के लिए इमोशनल वीडियो स्टोरीज पेज लाइक करना अनिवार्य है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज YouTube पर जाकर हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।